में छोटे मोटे अच्छे बुरे काले और बूढ़ी जवान को खबरी का सलाम। तो कैसे हो सब लोग? तो आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और आगे भी ऐसे YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय याहा। याहा एक नया यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है फॉर 3D मल्टीप्लेयर इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप बगैर किसी कोडिंग एक्सपीरियंस या सर्वर नॉलेज के वर्चुअल एक्सपीरियंस ले सकते हो। सिंपली इनके दिए हुए कूल फीचर्स, कंपोनेंट्स और स्मार्ट एसेट्स को यूज करके अपनी ड्रीम गेम्स बना सकते हो। और ये ट्विच और यूट्यूब पर लाइव सेशंस करते हैं क्रिएटर्स की मेटावर्स बिल्डिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ स्टूडियो में उनके हाइड एंड सीक गेम के टेम्पलेट को यूज करके आपको डेमो भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके एडिट मोड की एसेट लाइब्रेरी में जाता हूँ, जहाँ पे कोई भी कॉम्पोनेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। जैसे की मैंने ये एक कुत्ता उठाया, अभी इसको मैं किसी भी जगह पर प्लेस कर सकता हूँ और अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ। और जो भी आप 3D एसेट ड्रैग करते हो उसको टेस्टिंग मोड में आप खेल कर भी देख सकते हो कि वो अभी कैसा लग रहा है। तो ऐसे ही आप भी उनका ये यहाँ स्टूडियो यूज करके अपनी गेम्स बना सकते हो। जैसा कि आपने देखा, यहाँ गेम्स बनाना कितना आसान है, वैसे है बड़े काम की चीज ये। तो अभी जाओ, जल्दी से जाकर यहाँ स्टूडियो डाउनलोड करो और अपनी ड्रीम गेम्स बनाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाए। तो चलिए आज की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मेसी के बारे में। तो मेसी के वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए उन्होंने, जैसा कि अभी उनके 400 मिलियन फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और वो रोनाल्डो के बाद दूसरे नंबर पर आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स में। उन्होंने पिछले 24 आवर्स में 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स गेन किए। और इसके अलावा आपको याद होगा एक अंडे की फोटो थी जिस पर सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर लाइक्स थे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था, सबसे ज्यादा लाइक्स उसी पोस्ट पर थे। लेकिन अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी ने एक पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पर, जिस पोस्ट ने अभी उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड एग वाली पोस्ट को क्रॉस कर लिया। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, उस पोस्ट पर 55 मिलियन लाइक्स हैं और मेसी की पोस्ट पर 56 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं। एंड इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर अर्जेंटीना में आज के दिन की पब्लिक हॉलीडे भी रखी गई थी। और इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप पर रिएक्ट करते हुए डकी भाई ने ये ट्वीट की, नॉट अ फुटबॉल फैन बट व्हाट अ गेम, मेसी डिजर्व्स दिस। और इसके अलावा स्पीड, जैसा कि आपको पता है वो रोनाल्डो फैन है और फाइनल में वो फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीता तो उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था। और इसके अलावा वर्ल्ड कप फाइनल से सॉल्ट बे की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिस पर वो ट्रेंडिंग में भी चले गए थे ट्विटर पर, जिस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि वो मेसी के साथ एक फोटो लेने के लिए उसको तंग कर रहे थे और सॉल्ट बे को मेसी ने 3 बार नो भी बोला फोटो लेने से पहले। ऐसी अभी कुछ पोस्ट वगैरह भी आ रही है। और इस सब के अलावा मोमिन साकिब और अदनान सिद्दीकी ने भी मेसी पर रिएक्ट करते हुए ये वीडियो शेयर की। इस कदीमी वर्ल्ड कप के मैच के बाद, जदीदी वर्ल्ड कप के मैच के बाद मेरे और मेरे पास तुम हो की तरफ से अर्जेंटीना को बड़ी बड़ी मुबारक। मेसी ये कमाल करता है, जो जी मेसी ताने वास्ते बस का प्लाट उधर अपना फार्म हाउस बनाना है, मैं नहीं करना। और तुमने अपनी जो वेकेशन है वो पाकिस्तान में आके। चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि वसीम अकरम की वाइफ और फिरोज खान के बारे में। जैसा कि इनके बारे में मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इनके बीच क्या कंट्रोवर्सी चली थी। अभी तो अभी जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसी के दौरान वसीम अकरम की वाइफ ने इमरान अशरफ की एक वीडियो शेयर की, जहाँ पर वो अपनी गोद में अपने बेटे को बिठाकर ड्राइव कर रहे होते हैं। और उन्होंने ऐसा बोला था कि फिरोज खान से अभी इंस्पायर होकर बाकी सब लोग भी अभी वही काम कर रहे हैं और अपनी ईगो बीच में ला रहे हैं, अपनी गलती ही मान रहे हैं। तो अभी इसी सब पर इमरान अशरफ ने भी रिप्लाई करते हुए वसीम अकरम की वाइफ को कुछ ये कहा। जैसे नॉर्मली आप देखते हैं मैं अपने बेटे के साथ एंजॉय, कभी मैं स्कूटी पे घूम रहा होता हूँ, कभी मैं कहीं घूम रहा होता हूँ, कभी मैं कहीं घूम रहा होता हूँ। तो मैंने एक वीडियो लगाई जो मेरे घर के बाहर मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठा हुआ है, जिसपे मुझे रोहम ने आवाज दे के कहा था कि बाबा नीचे आओ। मैं टेरिस पे था, मैं सो के उठा था, मैंने हुडी पहनी हुई। तो गाड़ी अंदर लेके जाते हुए हमने डांस किया, जिसपे हमारी भाभी जो बाहर के मुल्क से आई है हमारे लिए बड़ी काबिले इज्जत है, उनका ताल्लुक उस शख्स के साथ है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा स्टार है। यस, इज अ कैप्टन, इज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। उन्होंने हमें बहुत सारे मैच जिताए हैं, बड़ा नाम हमारे मुल्क को दिया उन्होंने, और हम
दावेदार है उनके। उन्होंने मेरी उस वीडियो को जिसके ऊपर सिर्फ दिल बना हुआ है और वो मेरे बेटे के साथ है जो रोज आ रही, उसको अपनी चलती हुई कॉन्ट्रोवर्सी के साथ लिंक कर लिया। उस वीडियो में कुछ लिखा है, क्या वो वीडियो किसी को टैग हुई है, या मैंने आपको ये कहा है कि आप गलत बात कर रही है? मुझे तो हंसी आ रही है, लेकिन तोहमत भी भाभी एक बहुत बड़ी चीज होती है। बगैर सोचे समझे सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सी को सेव करने के लिए आप एक इंसान के घर की पर्सनल एक पर्सनल वीडियो, एक उसकी औलाद के साथ एक वीडियो, मैं आपकी लड़ाई में क्यों आऊंगा, मैं आपको क्यों गलत कहूंगा? और आपसे मेरा कोई ना लेना ना देना ना कोई मेरी आपकी बात है, तो भाभी ये तो ना करें प्लीज। ऐसे किसी को बिना वजह ड्रैग नहीं करते, किसी एक लगी हुई वीडियो जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि जुनेद अकरम के बारे में। तो जुनेद अकरम अभी कुछ ब्रांड्स पर बहुत ज्यादा एंग्री थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल उन्होंने कुछ ब्रांड्स के लिए ऐड किया था, लेकिन अभी नया साल आने वाला है और अभी तक उनकी तरफ से पेमेंट उनको नहीं आई। वो चाहे तो अभी उनको एक्सपोज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो नहीं कर रहे। इससे रिलेटेड बात करते हैं, उन्होंने कुछ ये कहा। बहुत मुश्किल है काम करना। मैंने जनवरी में एक बहुत बड़े बैंक के लिए वीडियो बनाई थी, अगला जनवरी आ रहा है, पेमेंट नहीं आई। एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए बनाई थी जुलाई में, अभी तक नहीं आए पैसे, और वो अगले साल ही मिल लेंगे। अच्छा, एक साबुन वाले हैं, उनकी भी अभी तक नहीं आई, और एक और है, उनको भी 4-5 महीने हो गए। उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, अब डॉलर का रेट क्या है। फिर हर मंडे अपने ही पैसे भीख की तरह मांगो कि भाई दे 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 दे। मसला कोई नहीं, एक स्टोरी बना के ब्रांड को टैग कर दूं, मसला ये है अगले की नौकरी जाए, वो भी नहीं कर सकते। मगर ऑब्वियसली पुश कब सुशा देर आई डोंट केयर, साल हो गया है, अब ऐसे कैसे काम करूं। तो ये बड़ा अजाब है यार यहाँ पे काम करना, मतलब ऑनर नहीं है लोगों की जमानों में, ना ऑनर नहीं है, दे डोंट स्टैंड फॉर देयर वर्ड्स। कल मैं अपने कजन से बात कर रहा था, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, उनकी कंपनी के सीईओ एक पॉडकास्ट पे आए थे, और इतनी चौदम बातों की ना लगे पड़े। मेरे कजन वहाँ 11 साल से काम करते हैं, ओवर टाइम ही नहीं देते। मुझे कल रात से उस पर इतना गुस्सा है, सोच रहा हूँ उसकी उसको लताड़ दूं मैं बुरी तरह। बेगैरती है ये, आके के बातें चोदते हैं, हम ये हैं एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन ये वो, घंटा अपने एम्प्लॉई 120 लड़का वहाँ काम करता है, किसी को ओवर टाइम नहीं देते। बात है आके यहाँ पे स्क्रीनों पे ऐसे करते हैं, दो नंबर सारे सब झूठे हैं यहाँ पे। तो चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि नोमी के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि नोमी ने फूड व्लॉगर्स पर एक वीडियो बनाई थी, जो कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड की थी, और वहां पर उनकी वीडियो में एक लड़की भी आ गई थी, जो कि बाद में उनको वैसे मैसेज वगैरह कर रही थी कि मैं आपको FIA में कंप्लेन कर दूंगी अगर आपने ये वीडियो डिलीट ना की तो। और ये सब होने के बाद अभी उसने इतनी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई उस लड़की ने, जिसकी वजह से उनके मेन फेसबुक पेज की मोनेटाइजेशन ही उड़ गई है अभी फेसबुक की तरफ से। इसके बाद अभी उन्होंने अपना नया फेसबुक अकाउंट बनाया, तो अगर आप भी फॉलो करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारे पास बस इतनी अपडेट्स हैं। अगर तो वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, और हमारी रेगुलर वीडियोस हमारे सेकंड चैनल खबरी 2.0 पर आ रही है, तो उस चैनल को जाकर लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना।